हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ प्रपोजिशन एरर्स। और प्रपोजिशन का जो टॉपिक है वो सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए और दूसरे सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। स्पॉटिंग एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिलर्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप किसी भी तरह का स्पॉटिंग एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिलर को आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को। पूरे वीडियो क्लास को आप ध्यान से सुनिए और पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। और यदि आप घर बैठे मोबाइल पर, लैपटॉप पर या पीसी पर सिस्टमेटिक तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ई क्लासेस चल रही हैं सभी सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इन सभी एग्ज़ाम्स की जो ई कोर्सेज़ हैं, इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके रिगार्डिंग आप इन नंबर्स पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर इन सारे कोर्सेज़ की वैलिडिटी और प्राइस दी हुई है, तो इसको आप देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, एक ये क्वेश्चन है, द स्टूडेंट कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन एंड द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल। यदि आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ें तो आपको ये पूरा सेंटेंस सही लगेगा, ऐसा लगेगा कि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जब इसको क्लोजली आप एग्जामिन करेंगे तो इसमें गलती निकल के आएगी और वो गलती एक कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी। वो कॉन्सेप्ट क्या होगा वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। द स्टूडेंट्स कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, स्टूडेंट ने प्रिंसिपल से शिकायत की। तो इस सेंस में हम यहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं जो कि सही है, द स्टूडेंट्स कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल। ठीक है, अब जब हम शिकायत करते हैं तो किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करते हैं, तो यहाँ पर जो वार्डन है वो एक व्यक्ति है और उसके अगेंस्ट कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है, तो अगेंस्ट का प्रयोग यहाँ पर सही हुआ है। लेकिन जो शिकायत हम कर रहे हैं वो यहाँ पर वार्डन के खिलाफ भी है और पुअर मैनेजमेंट के खिलाफ भी है। तो पर्सन के लिए तो हम अगेंस्ट लगाते हैं, खिलाफ लगाते हैं, लेकिन पुअर मैनेजमेंट जो है ये पर्सन नहीं है, ये थिंग में आएगा। और किसी वस्तु के खिलाफ हम शिकायत नहीं करते, किसी किसी व्यक्ति के खिलाफ हम शिकायत करते हैं। ठीक है, तो पुअर मैनेजमेंट जो है ये थिंग में आएगा और इसके लिए भी हमें एक अलग से प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है वो है ऑफ या अबाउट। किसी चीज़ के बारे में हम शिकायत करते हैं या किसी चीज़ की हम शिकायत करते हैं, तो इसलिए किसी व्यक्ति के खिलाफ जब हम शिकायत करते हैं तो उसके लिए तो हम अगेंस्ट लगाते हैं, लेकिन किसी चीज़ के लिए या थिंग के लिए तो उसमें हम लगाते हैं अबाउट, उसमें हम लगाते हैं अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा द स्टूडेंट कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन एंड अबाउट द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल या ऑफ द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल। ठीक है, अगेंस्ट द वार्डन एंड यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ऑफ या अबाउट आपको लगाना पड़ेगा। दोनों आप लगा सकते हैं, दोनों ही करेंट ग्रामर में एक्सेप्टेबल हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि दो वर्ड हैं और दो वर्ड के साथ यदि अलग अलग प्रपोजिशन आते हैं या दो ऐसे वर्ड हैं जो अलग अलग प्रपोजिशन लेते हैं तो उनके साथ, दोनों के साथ, दोनों वर्ड्स के साथ आपको सेपरेट प्रपोजिशंस का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कंप्लेन टू समबडी। ठीक है, कंप्लेन के बाद हम टू लगाते हैं, कंप्लेन टू समबडी के लिए हम टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, कंप्लेन टू समबडी। कंप्लेन अगेंस्ट समबडी, किसी व्यक्ति के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब किसी व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है, और कंप्लेन अबाउट या ऑफ समबडी, सॉरी समथिंग होना चाहिए एक्चुअली, इसको आप समथिंग कर लेना, कंप्लेन अबाउट ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर हम किसी वस्तु के लिए जब हम लगाएंगे तो उसके लिए हम अबाउट या ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इन कॉन्सेप्ट को मैं अपने ई क्लासेस में, पेड क्लासेस में बहुत ही डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ों को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है करेक्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन एंड अबाउट द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल। पुअर मैनेजमेंट जो है वो थिंग की कैटेगरी में आएगा और वो ऑफ या अबाउट प्रपोजिशन लेगा, और वार्डन जो है वो पर्सन की कैटेगरी में आएगा और वो अगेंस्ट प्रपोजिशन लेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर जिसके आधार पर
काफ़ी सारे क्वेश्चंस एसएससी में और बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही ऑलवेज इंसिस्ट दैट ही प्रेफर्स टू गो होम टू स्टे एनीवेयर एट नाइट। ये प्रेफर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, और इसके इसके साथ दो चीज़ें आती हैं प्रेफर के बाद। प्रेफर के बाद एक तो हम टू लगाते हैं और एक हम लगाते हैं रादर देन। प्रेफर के बाद देन का प्रयोग हम नहीं करते, हम टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रेफर का मतलब होता है बेटर देन, तो उसमें देन पहले से लगा हुआ है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि यदि आप कंपैरिजन कर रहे हैं टू नाउन्स का, दो नाउन का यदि आप कंपैरिजन कर रहे हैं या दो जेरेंड का कंपैरिजन कर रहे हैं, जेरेंड भी एक्चुअली एक नाउन फॉर्म ही होता है, ठीक है। तो जेरेंड का या नाउन्स का यदि आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें आप टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ठीक है, आई प्रेफर टी मतलब मैं टी को ज़्यादा पसंद करता हूँ कॉफ़ी से, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। और यदि आप टू इन्फिनेटिव को कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन टू प्लस वी वन का यदि आप कर रहे हैं, तो उसके बाद आप रादर देन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, टू इन्फिनेटिव का कंपैरिजन हो रहा है। ही ऑलवेज इंसिस्ट दैट ही प्रेफर्स टू गो होम टू स्टे एनी वेयर एट नाइट, मतलब वह घर पर रहना पसंद करता है किसी जगह जाने की अपेक्षा, या घर जाना पसंद करता है किसी और जगह स्टे करने की अपेक्षा। तो यहाँ पर टू इन्फिनेटिव इनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टू स्टे, यहाँ पर आप देख सकते हैं टू स्टे, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन का कंपैरिजन नहीं हो रहा, टू प्लस वी वन और टू प्लस वी वन का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो इनके कंपैरिजन के लिए हम रादर देन का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग हम नाउन्स के लिए करते हैं। जैसे इसका सही जो वर्जन होगा वो होगा ही ऑलवेज इंसिस्ट, ही ऑलवेज इंसिस्ट में एस लगा है जो कि सही है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर ही है तो इसके बाद एस लगेगा जो कि सही है। दैट ही प्रेफर्स, प्रेफर में एस लगा हुआ है क्योंकि ये ही के साथ जुड़ा हुआ है, प्रेफर जो है वो वर्ब है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो एस यहाँ पर सही है। ही प्रेफर्स टू गो होम रादर देन स्टे एनीवेयर, ठीक है। यहाँ पर चूंकि दो वर्ब जुड़ी हुई हैं, प्रेफर और गो, ये टू से जुड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर हम टू इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर रादर और स्टे जो है वो देन से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये इसका सही सेंटेंस होगा। तो जब हम दो नाउन को जोड़ेंगे, जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, या आई प्रेफर स्टडिंग टू प्लेइंग, ठीक है। जेरेंड का भी जब हम कंपेयर करते हैं तो उसमें हम टू का प्रयोग करते हैं, और टू प्लस वी वन का कंपेयर जब हम करते हैं तो उसके साथ हम रादर देन का प्रयोग करते हैं, और रादर देन के साथ बेयर इन्फिनिटिव यानी ऐसी वर्ब हम लगाते हैं जिसमें टू नहीं लगा हो, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए, एक ये सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर सेड दैट ही प्रेफर्ड द वाइट शर्ट टू द ब्लैक वन विच आई यूजली वोर। तो इसमें भी प्रेफर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, लेकिन इसमें हम किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, वाइट शर्ट को कंपेयर कर रहे हैं हम ब्लैक शर्ट से, ठीक है। यहां पर शर्ट की जगह, यहां पर हमने शर्ट बोला है द वाइट शर्ट, यहां पर हमने ब्लैक शर्ट नहीं बोला है, तो यहाँ पर शर्ट को हमने रिप्लेस कर दिया है वन प्रोनाउन से, ठीक है। तो ये सही है, ये गलत नहीं है, द वाइट शर्ट टू द ब्लैक वन। तो यहाँ पर दादा का प्रयोग हुआ है, ये भी सही है क्योंकि ये पर्टिकुलर शर्ट की बात हो रही है। तो चूंकि दो नाउन है, वाइट शर्ट क्या है एक नाउन है, ब्लैक वन क्या है एक नाउन है, तो दो नाउन को हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर भी नाउन है और यहाँ पर भी नाउन है, इन दो नाउन को हम कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए टू का प्रयोग यहाँ पर सही है। यदि टू प्लस बी वन होता तो फिर हम रादर देन का प्रयोग करते, और आई यूजुअली वर, ठीक है, चूंकि पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो इसलिए वर का प्रयोग यहाँ पर सही है। जैसे मेरे ब्रदर ने कहा, देखिए यहाँ पर ये पास्ट वर्ब आई है, यहाँ पर भी ये पास्ट वर्ब आई है, और यहाँ पर भी पास्ट वर्ब ही आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर यदि वेयर बोल देंगे आप तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है ये सही है, इसको पूरा एनालाइज करने के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सेंटेंस सही है, और इसमें कोई भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर होगा डी यानी नो एरर।
देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वॉज कॉज्ड बाई लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हिम. मोरल क्या होता है? मोरल होता है स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर. ठीक है, आपका जो बिहेवियर है, आपको जो अच्छे और बुरे की पहचान है, उसको हम बोलते हैं मोरल. ठीक है, मोरल लेसन भी होता है, जैसे हम बोलते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, वो भी होता है. मोराल जो होता है वो अलग चीज़ है. मोराल का मतलब होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है उसको हम बोलते हैं मोराल. डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वॉज कॉज्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर. फैक्टर्स के साथ वर लगा है जो कि सही है. दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि फैक्टर को रेफर कर रहा है, जो कि सही है. दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हिम. ठीक है, यदि आप बोलते हैं कि आई वॉज फैसिनेटेड, मैं फैसिनेटेड था, तो यहाँ पर आपको फैसिनेटेड बोलना होगा. लेकिन यदि आप ऐसे बोलते हैं कि फैक्टर्स दैट वर वंस फैसिनेटिंग टू हिम, तो इसमें आप फैसिनेटिंग ही बोलेंगे. ठीक है, मेरे लिए कोई चीज़ फैसिनेटिंग है, मेरे लिए कोई चीज़ आकर्षक है, तो मैं आई एन जी फॉर्म का यूज करूँगा. और आई वॉज फैसिनेटेड मतलब मैं इसमें पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि आई वॉज फैसिनेटेड. मतलब उसमें हम एक पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है. जैसे हम बोलते हैं आई वॉज टायर्ड या आई वॉज सिक, इस तरीके से आई वॉज फैसिनेटेड, मैं फैसिनेटेड था. लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि फैक्टर्स दैट वर फैसिनेटिंग टू हिम, दैट वर फैसिनेटिंग टू मी, वो मेरे लिए आकर्षक थी. मैं आकर्षित नहीं था लेकिन वो फैक्टर्स मेरे लिए आकर्षक थे. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फैसिनेटिंग जो वर्ड है वो सही है. वंस का अर्थ होता है एक बार. ठीक है, बाय अ लॉट ऑफ जो है वो सही लिखा हुआ है. वॉज कॉज्ड ये पैसिव वॉइस में है तो इसलिए वॉज के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी है जो कि सही है. अब देखिए डिक्लाइन को थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं. डिक्लाइन क्या होता है? डिक्लाइन का अर्थ होता है किसी चीज़ में गिरावट या नीचे आना किसी चीज़ का. जैसे हम बोलते हैं डिक्लाइन इन प्राइसेस, प्राइसेस में गिरावट, प्राइसेस का नीचे आना. तो यहाँ हम बोलेंगे डिक्लाइन इन हिज मोरल, क्योंकि मोरल क्या है? एक करेक्टरिस्टिक है, एक एट्रीब्यूट है, एक किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का एक एट्रीब्यूट है. तो उस एट्रीब्यूट में गिरावट आएगी. एट्रीब्यूट नहीं गिरेगा, वो व्यक्ति नहीं गिरेगा, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर एक गिरावट या डिक्लाइन आएगा. तो डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल हम नहीं बोलेंगे, डिक्लाइन इन हिज मोरल हम बोलेंगे, उसके मोरल में जो डिक्लाइन हुआ है. तो डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल नहीं हम बोलेंगे. डिक्लाइन वर्ड जो है वो हम यूज करते हैं एम्पायर के लिए. जैसे एम्पायर का जब डिक्लाइन होता है, ठीक है, डिक्लाइन ऑफ एन एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ ए पार्टी, कोई पार्टी की प्रसिद्धि कम होती है या उसकी पावर कम होती है, ठीक है, उसकी ग्रेस्प कम हो जाती है जनता पर, तो उसको हम बोलते हैं डिक्लाइन ऑफ ए पार्टी, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी पार्टी नीचे आती है या एम्पायर पूरा का पूरा नीचे आता है. लेकिन इसमें हम एक व्यक्ति का एक एट्रीब्यूट है, एक करेक्टरिस्टिक है, उसकी गिरावट की हम बात कर रहे हैं. तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे डिक्लाइन इन हिज मोरल, डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल हम नहीं बोलेंगे. ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा. कुछ और सेंटेंस देखते हैं. देखिए ये भी एक काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, इसमें हमने कंप्राइज्ड का यूज़ किया है. कंप्राइज्ड का अर्थ होता है कंसिस्ट ऑफ, किसी चीज़ से मिलकर बना होना. और कंप्राइज में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो इसके वर्जन होते हैं. एक्टिव वॉइस में हम एफ ऑफ का प्रयोग नहीं करते, लेकिन पैसिव वॉइस में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं. तो यहां पर देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स, एक रॉक का एक टाइप होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, लार्जली कंप्राइज्ड ऑफ माइन्यूट फ्रैगमेंट्स ड्राइव्ड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स. तो इस सेंटेंस में पहले मैं बता देता हूँ कि एरर क्या है, उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे. यहाँ पर इसमें ऑफ का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में लिखा गया है, ये पैसिव वॉइस में नहीं है. यदि आप इसको पैसिव वॉइस मानेंगे तो इसका अर्थ होगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स लार्जली कंप्राइज्ड बाय माइन्यूट फ्रैगमेंट्स. मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स को किसी व्यक्ति के द्वारा कंप्राइज किया गया, किसी व्यक्ति के द्वारा उसको कंप्राइज करके बनाया गया, जो कि गलत है. ठीक है, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस नहीं होगा, एक्टिव वॉइस होगा. और एक्टिव वॉइस में हम कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करते.
ठीक है, ये एक्चुअली एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहां पर कि सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स हुआ आपका नाउन, एक चीज का नाम है तो ये नाउन हुआ, और सेडिमेंट्री रॉक्स जो थी वो कैसी थी, देवर सेडिमेंट्री रॉक्स कंप्राइज्ड ऑफ माइन्यूट फ्रैगमेंट्स, वो कंप्राइज थी माइन्यूट फ्रैगमेंट से, वो माइन्यूट फ्रैगमेंट से मिलकर बनी थी। तो यहाँ पर ये जो कंप्राइज्ड है ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और इस एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव है ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस इसका सेंस अलग निकलेगा, ये चूंकि एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस में हम एफ ऑफ का प्रयोग नहीं करते, पैसिव वॉइस में कंप्राइज के बाद हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, When used in the active voice, comprised is not followed by off. Active voice में हम off का प्रयोग नहीं करते comprise के बाद। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, the program comprises two short plays. जो program है वो दो short plays से मिलकर बना है, ठीक है, और the program is comprised of two short plays. इसमें off का प्रयोग सही है क्योंकि ये passive voice है। इस sentence का अर्थ निकलेगा कि comprise को द प्रोग्राम को शॉर्ट प्ले से मिलकर बनाया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, प्रोग्राम को किसी व्यक्ति के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। इसमें एक एजेंट इन्वॉल्व हो रहा है नीचे वाले सेंटेंस में, तो इसलिए इसको आप पैसिव वॉइस मान सकते हैं, और ऊपर वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में हम कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करते, पैसिव वॉइस में हम करते हैं। तो ये इसका सही सेंटेंस होगा। आगे हम देखते हैं, In his concluding remark, he said almost nothing worth listening to. जब उसने अपना समापन भाषण दिया, अपना conclude किया, तो उसने he said almost nothing. उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो सुनने लायक था. Worth का अर्थ होता है लायक. यदि आप बोलते हैं worth reading, this book is worth reading. इसका मतलब है कि ये किताब पढ़ने लायक है, ठीक है. This कुछ भी आप बोल सकते हैं, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, ठीक है। तो वर्थ हम पहले लगाते हैं, वर्थ के बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन लिसनिंग के बाद, वर्थ लिसनिंग में हम टू का प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे। तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। देखिए, लिसन जो है एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। अब देखिए, जैसे ये है लिसन केयरफुली, लिसन एक वर्ब है और केयरफुली एक एडवर्ब है। लिसन केयरफुली, सुनो, लेकिन कैसे सुनो, ध्यान से सुनो, तो केयरफुली क्या है, एडवर्ब है। लिसन टू द रेडियो, लिसन इसमें क्या है, वर्ब है। टू इसमें क्या है, प्रपोजिशन है, और रेडियो क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, लिसन इंट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आता इसमें। ये रेडियो जो है ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, वी लिसेंड बट हर्ड नथिंग, हमने सुना लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ा। तो लिसन, अपने लिसन के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, टू के बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। वी लिसेंड बट हर्ड नथिंग। हियर का अर्थ होता है किसी भी चीज को सुनना, और लिसन का अर्थ होता है किसी ऑब्जेक्ट को सुनना। जैसे लिसन टू द रेडियो, रेडियो को सुनना, रेडियो के ऑब्जेक्ट है। जैसे हम बोलते हैं लिसन टू मी, मुझे सुनो, ठीक है। जबकि हियर का अर्थ होता है कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली किसी भी चीज को सुनना। जैसे आई हर्ड द नॉइस, मुझे आवाज सुनाई पड़ी। और लिसन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सुनना, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम आगे देखिए, लिसन टू व्हाट आई से, यहां पर व्हाट आई से जो है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये एक फ्रेज है और फ्रेज एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। लिसन टू, सुनो किसको, जो मैं कह रहा हूं, ठीक है, व्हाट आई से, तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम यहां पर कर रहा है। तो इसमें वर्थ लिसनिंग केवल हम लिखेंगे, वर्थ लिसनिंग टू नहीं हम लिखेंगे। और सही सेंटेंस होगा, इन हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स ही सेड ऑलमोस्ट नथिंग वर्थ लिसनिंग, ठीक है। अब देखिए, एक नया और कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। She looked quite different than the photograph I had of her. मतलब मेरे पास जो फोटोग्राफ था उससे वो अलग लग रही थी। She looked quite different. ठीक है, जब हम अलग लगती हैं, लगते हैं, जब एक चीज, ठीक है, किसी चीज से अलग लगती है, तो it is different from it.
इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट. डिफरेंट के बाद डायरेक्टली यदि कोई वर्ड आएगा तो वो फ्रॉम आएगा. डिफरेंट के बाद फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट देन नहीं, डिफरेंट फ्रॉम. क्योंकि यहाँ पर हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, देन से हम कंपेयर करते हैं. जैसे बेटर देन या मोर देन या स्वीटर देन या हार्डर देन. ठीक है, जैसे दो रूम को हम कंपेयर कर रहे हैं कि दिस रूम इज़ बिगर देन दिस रूम, दिस रूम इज़ बिगर देन दिस रूम. तो दोनों ही रूम बड़े हैं लेकिन इसकी बिगनेस हम दिखा रहे हैं देन से. ठीक है, हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों रूम को. यहाँ पर हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव का कंपेरिजन नहीं हो रहा है, हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. यहाँ पर एक होता है डिफ्रेंशिएशन, एक होता है कंपेरिजन. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंटेंस जो है ये सही है, ग्रीन कलर में जो दिया है वो सही सेंटेंस है. लेकिन डिफरेंट के बाद यदि कोई नाउन आता है, जैसे यहाँ पर डिफरेंट के बाद क्या आया है, डिफरेंट के बाद सीधा फ्रॉम आया है, डिफरेंट फ्रॉम आप देख सकते हैं. लेकिन यहाँ पर देखिए डिफरेंट के बाद नाउन आया है, डिफरेंट बुक. तो इस तरह के केसेस में देन को हम लगा सकते हैं. ये देन का प्रयोग इस तरह के सेंटेंसेस में एक्सेप्टेबल है और ये सेंटेंस सही है. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं हम. व्हाइल ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, जिस समय वो कॉलेज से लौट रहा था, ये रफियन, रफियन हम बोलते हैं नॉन एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं, जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं रफियन. अ रफियन अटैक्ड ऑन हिम विद अ नाइफ. अटैक जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट उसके बाद नहीं आता. तो अटैक के बाद हम ऑन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अटैक के भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं. अटैक समथिंग यानी अटैक के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा. जैसे इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, ऐसे नहीं कि इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान. अटैक समथिंग, अटैक समथिंग, अटैक के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अटैक का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, ईडी हम किस में लगाते हैं, ईडी हम वर्ब में ही तो लगाते हैं, तो इसलिए ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है इसका. ठीक है, लेकिन जब हम इसका नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे यदि हम वर्ब की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका अर्थ होगा कि धावा बोलना या आक्रमण करना. लेकिन जब नाउन की तरह यूज करेंगे तो इसका अर्थ होगा अटैक यानी आक्रमण. तो उस सेंस में नाउन के साथ जब हम अटैक को नाउन के तरह यूज करते हैं तो इसके साथ हम ऑन लगा सकते हैं. एन अटैक ऑन माई लाइफ, मेरे जीवन पर एक आक्रमण, एन अटैक ऑन माई लाइफ. ठीक है, और इसके साथ मेक वर्ब का प्रयोग आप कर सकते हैं, मेक एन अटैक ऑन समथिंग, मेक एन अटैक ऑन समथिंग. तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस होगा वो होगा व्हाइल ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज अ रफियन अटैक्ड हिम, अटैक्ड ऑन हिम नहीं, अटैक्ड हिम. ठीक है, विद अ नाइफ, जब वो कॉलेज से लौट रहा था तो उस पर एक रफियन ने नाइफ से अटैक कर दिया. आगे एक सेंटेंस और देखते हैं हम. इट वॉज अपेरेंट फॉर एवरी वन प्रेजेंट दैट इफ द पेशेंट डिड नॉट रिसीव मेडिकल अटेंशन फास्ट ही वुड डाई. ये सभी को दिख रहा था वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे. ठीक है, इट वॉज अपेरेंट, अपेरेंट का अर्थ होता है क्लियर या ऑब्वियस या एविडेंट. इट वॉज अपेरेंट फॉर एवरी वन प्रेजेंट, वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे उन सभी को दिख रहा था. उन सभी को क्या दिख रहा था कि इफ द पेशेंट डिड नॉट रिसीव मेडिकल अटेंशन, यदि पेशेंट को मेडिकल अटेंशन नहीं मिला जल्दी से, फास्ट का मतलब है यहाँ पर क्विकली, ही वुड डाई, वह मर जाएगा. वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं तो डाई यहाँ पर सही है. लेकिन अपेरेंट जो प्रपोजिशन है वो अपने साथ जो प्रपोजिशन लेता है वो लेता है टू. अपेरेंट फॉर हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं अपेरेंट टू. अपेरेंट क्लियर एंड ऑब्वियस, इसके बाद हम लगाते हैं टू. अपेरेंट टू समबडी, क्लियर टू समबडी, ऑब्वियस टू समबडी. ठीक है, तो इसलिए सही सेंटेंस होगा इट वॉज अपेरेंट टू एवरी वन प्रेजेंट, मतलब वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे उन सभी को ये दिखाई दे रहा था, ये अपेरेंट था कि यदि पेशेंट को मेडिकल अटेंशन नहीं मिला तो वो मर जाएगा. तो इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे. इस तरह के वीडियो क्लासेस और भी मैं अपलोड करता रहूँगा इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल. इस चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी आप जरूर जरूर दबाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें.
और यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए हमारा ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, और इन सभी ई कोर्सेज के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्टली इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।